नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केरल की एनआईए कोर्ट ने प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में बुधवार को 6 लोगों को दोषी करार दिया गया था। जस्टिस अनिल के ने साजिल नसर और नजीब को उम्र कैद की सजा सुनाई। शेष 3 दोषियों नौशाद, पीपी मोहिद्दीन कुन्नू और अयूब को 3 साल की सजा सुनाई गई। इन्होंने दोषियों को शरण दी थी। दोषियों पर कुल 4 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने ये पैसा पीड़ित को देने को कहा है। कोर्ट ने हमले की आतंकी वारदात करार दिया और कहा यह देश के सेकुलर ताने बाने को चुनौती है। कोर्ट ने कहा कि साजिल ने हमले में हिस्सा लिया था, नसर मुख्य साजिशकर्ता था और नजीब ने आतंकी वारदात की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं लिया। साजिल को आतंकवादी वारदात करने और इसकी साजिश रचने, हत्या की कोशिश और विस्फोटकों के इस्तेमाल के अपराध के लिए 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई। नसर और नजीब को भी हत्या की कोशिश और विस्फोटकों के इस्तेमाल के अपराध के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। कोर्ट ने बुधवार को मामले में 11 में से 5 आरोपियों को बरी कर दिया था। हमले के पीड़ित प्रोफेसर टीजे जोसेफ ने कहा कि उनके मन में हमलावरों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि वे केवल हथियार की तरह यूज किए गए हैं।